हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट रिफ्रेशिंग एपिसोड ऑफ मैथ्स विद लॉजिक। कैसे हैं आप सभी? लास्ट टाइम पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में, और मैंने कहा था कि हम वापस से इसको लेके मिलेंगे, और आज हम फिर से आपके सामने हैं। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा ही और क्वेश्चन जो डिपेंड करता है सर्कुलर मोशन पे। तो ज़्यादा बातें ना करते हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, ए बी एंड सी थ्री कैंडिडेट स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तीन कैंडिडेट हैं ए बी सी, जो 5 किलोमीटर लंबे एक सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं। सर्कुलर ट्रैक मतलब कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ चलना स्टार्ट किया और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वापस यहीं पे आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया पी। अब इनको कंप्लीट सर्कल लगाने में जो टाइम लगते हैं, रिस्पेक्टिव टाइम्स आपको दिए गए हैं। बोला गया है डायरेक्शन इज सेम, टाइम इज सेम, एंड देयर स्पीड्स आर 2.5 किलोमीटर पर आर, 3 किलोमीटर पर आर एंड 2 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली। इस स्पीड से ये इसका चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। कहा आफ्टर व्हाट टाइम विल दे ऑल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इन सभी ने स्टार्टिंग पॉइंट पी से चलना स्टार्ट किया। जो कैंडिडेट ए है वो चलता है 2.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, जो कैंडिडेट बी है वो चलता है 3.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और जो कैंडिडेट सी है वो चलता है 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। तो कुछ समय में कैंडिडेट ए इसका चक्कर लगाएगा, बी भी चक्कर लगाएगा, सी भी चक्कर लगाएगा। अब आप सभी देख रहे हैं इनकी स्पीड्स डिफरेंट है, तो ये एक ही टाइम पे इसका चक्कर फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, टाइम इनको डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। तो बोला गया जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो उसके कितने समय के बाद ये वापस से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। जब स्टार्ट किया तो ये इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, वापस से जब मिलेंगे तो वो टाइम अपने को निकालना कैसे है? सर, अगर हम इंडिविजुअल टाइम निकालना चाहें ए बी और सी का, कि ये एक एक सर्कुलर पार्ट का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाते हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम फॉर ए, टाइम फॉर बी एंड टाइम फॉर सी। तो ए का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, दैट इज 5, सबके लिए सेम होगा, बी के लिए भी 5, सी के लिए भी 5, अपॉन में इनकी स्पीड। ए की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आर, इसको ले सकते हैं 5/2, बी की स्पीड 3, इसको ले सकते हैं 5/3, सी की स्पीड है 2, इसको ले सकते हैं 5/2। तो सर इनका टाइम क्या होगा, ए के लिए हो जाएगा 2 आवर्स, बी के लिए 5/3 आवर्स, सी के लिए 5/2 आवर्स। तो पहला 2 घंटे में पहला चक्कर लगाता है, दूसरा पर्सन बी 5/3 आवर्स में लगाता है, तीसरा पर्सन सी 5/2 आवर्स में लगाता है। आपसे पूछा गया कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमें ऐसा टाइम चाहिए होगा जो इन सभी का एक मल्टीपल हो, और मल्टीपल की अगर हम बात करते हैं आपको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो वो होता है इनका एलसीएम। अब बात यह आई कि ये फ्रैक्शंस में है, सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान होता है निकालना। आप इस न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, 5, 2 और 5, इनका एलसीएम देखिए क्या होगा, 2, 5 एंड 10, इनका एलसीएम होता है 10 अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां 3 है और यहां 2 है, इनका आपको लेना होता है एचसीएफ। तो 1, 3 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो जो आपके लिए टाइम लगा वो आया 10 आवर्स का, जो होता है इनके लिए एलसीएम। तो सर ये वो टाइम हुआ जब ए बी और सी वापस चक्कर लगाते लगाते वापस पी पर मिल चुके होंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी और बैंक दोनों टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको इस साइड पे मैथ्स विद लॉजिक नाम से आइकन दिख रहा होगा, उस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उस रेड बटन पे टिक कर दें तो आपको हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियोस और मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम।